कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। टर्निंग कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन एक्चुअली आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि टर्निंग कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन क्या चीज़ है, लेकिन आज स्पेसिफिकली मैं आप लोगों को जो चीज़ बताने जा रहा हूँ वो है कि जहाँ पर रेडियस आ गई, जहाँ पर कोई गुलाई आए किसी ड्राइंग में, ये देखें ये जो ड्राइंग आप लोगों को यहाँ पर अभी बनाकर दिखाई गई है, इसमें ये गुलाई आई है, ये रेडियस आई है, ये कर्व आई है, तो ये जब आ जाए, इसको कुछ लोग फिलेट का नाम भी देते हैं, FILLET, फिलेट का नाम भी दिया जाता है इस चीज़ को। तो जहाँ पर ये फिलेट, रेडियस या कर्व, इस तरह की शेप जहाँ पर आ जाए, इरेगुलर शेप, तो उस शेप को बनाने के लिए कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन जो है टर्निंग सेंटर या लेज मशीन के लिए वो किस तरह से करनी है, वो किस तरह से लिखनी है, ये चीज़ मैं आप लोगों को आज बताऊंगा। अब ये चीज़ स्टार्ट करने से पहले, इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक चीज़ का बहुत वाजे तौर पर पता होना चाहिए कि डायामीटर और रेडियस के दरमियान क्या डिफरेंस है, ठीक है। डायामीटर क्या चीज़ है कि कोई भी एक गोल चीज़ है। अब सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात बता दूं, जो लोग लेथ मशीन और टर्निंग सेंटर का जब हम जिक्र करते हैं तो उसमें हम रोटेशनल पार्ट्स की ही बात करते हैं, क्योंकि मोस्टली उसमें रोटेशनल पार्ट्स पर ही मशीनिंग होती है, ठीक है, और रोटेशनल पार्ट्स या राउंड पार्ट्स पर मशीनिंग की जाती है। तो जाहिर सी बात है, जो भी चीज़ कोई राउंड होगी उसका कोई ना कोई डायामीटर होगा, जो भी चीज़ राउंड होती है उसकी जो चौड़ाई होती है उसको हम डायामीटर बोलते हैं ना। तो डायामीटर को मज़ीद अगर मैं बताऊँ कि डायामीटर क्या चीज़ है, कि एक गोल दायरा लगा हुआ, तो इसमें एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक मैक्सिमम यानी कि ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेट डिस्टेंस, स्ट्रेट सीधा डिस्टेंस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ज्यादा से ज्यादा उस दायरे के अंदर जो है वो डिस्टेंस जितना होगा वो होगा उस दायरे का डायामीटर। तो ये क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक डायामीटर, उस डायामीटर का जो आधा होता है यानी सेंटर से लेकर एक कॉर्नर तक सीधा फासला, उसको बोलते हैं रेडियस। तो ये चीज़ भी रेडियस है, इसको भी मैं यहाँ कह दूँ रेडियस, यहाँ कह दूँ रेडियस, या यहाँ से यहाँ तक कह दूँ रेडियस, ये इतना ये जो हाफ होता है ये रेडियस होता है। रेडियस के लिए आर मोस्टली लिखा जाता है और डायामीटर के लिए डी यूज़ होता है। कि डायामीटर के लिए एक और चीज़ जो यहाँ ड्राइंग में भी यूज़ की गई है, ये सिंबल एक यूज़ किया गया है, साइन है, ये पाई का साइन होता है, ये गोल दायरा लगाकर जीरो बनाकर इसमें एक लाइन यू डायगोनली लगा देते हैं, तो ये डायामीटर का साइन होता है कि ये गोल चीज़ है और इसका ये डायामीटर है। तो ये 10 के साथ भी ये डायामीटर का साइन लगा हुआ है, यहाँ पर ये 20 के साथ भी डायामीटर का साइन लगा हुआ है, और ये 30 के साथ भी यहाँ पर डायामीटर का साइन लगा हुआ। अब आप लोगों को डायामीटर और रेडियस का फर्क जो है वो पता लग गया होगा। अब बात करते हैं कि रेडियस के लिए टर्निंग कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन किस तरह से करते हैं। मैं इस ड्राइंग की बात करता हूँ, इस ड्राइंग की हम लोग आज कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन लिखेंगे, ठीक है, और इसको समझेंगे। तो जब भी बात करते हैं टर्निंग सेंटर या लेथ मशीन की, तो उसके वर्क पार्ट पे हम लोग जब भी रेफरेंस पॉइंट को सेट करते हैं या जो जीरो पॉइंट होता है वो हमारा हम अपने वर्क पार्ट के सेंटर में फ्रंट वाली साइड पर सेट कर देते हैं जीरो पॉइंट। तो अब मैंने यहाँ पर यानी ये जो पॉइंट है जो पिंक कलर का डॉट लगा हुआ है, ये पॉइंट है रेफरेंस पॉइंट हमारा, ठीक है, और इसको मैं नाम दे देता हूँ ओ का, ठीक है। तो इसको मैं ओ इसलिए कह रहा हूँ, ओ से मुराद ओरिजिन, ओरिजिन से मुराद जहाँ से कोई चीज़ शुरू होती है, जहाँ से कोई चीज़ किसी चीज़ की शुरुआत होती है उस चीज़ को बोलते हैं ओरिजिन। तो ओ इसको ओ नाम दे देते हैं, मेरी मर्जी है, आप इसको ए भी कह सकते हैं, आप इसको बी भी कह सकते हैं, जो मर्जी पॉइंट का नाम देते हैं, लेकिन जब आपने टर्निंग के कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन लिखी है तो ये बस जहन दहानी के लिए एक चीज होती है कि फलाना पॉइंट है और इसके ए कोऑर्डिनेट्स, और मैं इस पॉइंट को नाम दे देता हूँ ए का। इसके बाद ये पॉइंट जो है ये बी है। अब ये पॉइंट्स की भी आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन जरा होनी चाहिए कि ये स्ट्रेट लाइन आ रही है, जहाँ पर स्ट्रेट लाइन एंड होगी और कर्व स्टार्ट होगी, जहाँ से आपका रेडियस लगना या फिलेट लगना स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो वहाँ पर आपका एक पॉइंट बन जाएगा। यानी आपने पहले इसका पता बताना है, फिर इसका पता बताना है, और फिर जहाँ पर वो रेडियस मुकम्मल होगा फिर उसका पता बताना है, ठीक है। अब ये पॉइंट होगा सी, फिर एक लाइन जा रही है, ये पॉइंट होगा डी, फिर रेडियस स्टार्ट है इस पॉइंट से, तो जहाँ पर फिर ये रेडियस एंड हो रहा है अगला पॉइंट ई, और फिर ये स्ट्रेट लाइन जा रही है और ये अगला पॉइंट एम, क्योंकि हमारे पास ओ से स्टार्ट हो रहा है ए बी सी डी ई और एम। अब हमने इन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स लिखे हैं, तो हम स्टार्ट करते हैं पॉइंट ओ से। पॉइंट
हमारे अब हम इनके कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। हमारे पास आप लोगों को पता है कि जब हम लेफ्ट पुशिंग की टर्निंग की या टर्निंग सेंटर की बात करते हैं तो हमारे पास दो एक्सेस होते हैं, ठीक है, कॉमनली जो यूज होते हैं वो दो एक्सेस होते हैं, एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस। और आपको पता है कि डाया की सिंप में जो एक्सेस होता है वो है एक्स एक्सिस, और जो लेंथ की सिंप में होता है, जो लंबाई की सिंप में होता है, वो होता है जेड एक्सिस। तो वो जैसे हम स्पिन चक की तरफ को मूव करेगा, टूल हमारा इस तरफ को मूव करेगा तो जेड नेगेटिव की तरफ हो जाएगा, और जब एक्स में हम लोग टूल हमारा बेशक वो फ्रंट माउंटेड और रेयर माउंटेड से मुराद है, फ्रंट माउंटेड से मुराद है कि वर्क पार्ट के फ्रंट वाले सिंप में टूल लगा हुआ हो या वर्क पार्ट के पिछले सिंप में टूल लगा हो, कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन जो है वो बिल्कुल एक ही तरह की जाती है, इसमें कोई मसला नहीं होता। क्योंकि जब भी एक्स नेगेटिव तभी होता है जब वो डाया कम वाली साइड को जा रहा हो, तो तभी हम जो है डायमेंशन को माइनस करते हैं। और वैसे भी लेथ में और टर्निंग सेंटर में इनमें बिल्ट इन इन मशीन्स को पता है कि जब भी एक्स के साथ कोई वैल्यू लिखी जाएगी प्रोग्राम के अंदर तो वो मशीन जो है उसको डायामीटर के तौर पर रीड करती है उस वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अगर आप लिखते हैं एक्स 30 तो मशीन उस जगह पर उस पॉइंट पर जो है एक्स को 30 डायामीटर जो है वो पढ़ेगी। यानी कि अब मैं आप लोगों को शुरू करवाता हूँ कोऑर्डिनेट कैलकुलेशन। पहला पॉइंट जो ओ है, ओ के लिए कोऑर्डिनेट आपके होंगे क्योंकि ओ तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, तो एक्स जीरो और जेड जीरो और यहाँ आपने सेमी कॉलन लगाई और इसको एंड कर दिया। अब ए पॉइंट जो है आपका, इसके लिए आपने क्या किया, एक्स की वैल्यू लिखनी थी, एक्स के साथ आपने डायामीटर का यूज करना था, तो ए पॉइंट पर डायामीटर कितना है, ए पॉइंट पर डायामीटर है 10 और जेड में कोई मूवमेंट हुई है, जेड में कोई मूवमेंट नहीं हुई क्योंकि ये सिर्फ एक्स एक्सिस में मूवमेंट हुई है, तो जेड एक्सिस आपका बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा क्योंकि अभी हम एब्सोल्यूट सिस्टम में कोऑर्डिनेट्स लिख रहे हैं। इसके बाद पॉइंट बी पर जब आप जाएंगे तो इसके लिए एक्स में मूवमेंट नहीं है बल्कि जेड में सिर्फ मूवमेंट है, तो एक्स आपका बिल्कुल सेम ही रहेगा और जेड में मूवमेंट होगी नेगेटिव की तरफ, वो कितनी है, वो ए से बी की तरफ 10 की मूवमेंट है और नेगेटिव है तो ये -10। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट सी, तो बी टू सी जो है ये रेडियस लग रहा है। अब ये चीज समझने वाली है, रेडियस लगाने के लिए कोई मुश्किल चीज नहीं है, असल में जिस जगह पर पहुंचना है हमने उसकी लोकेशन बतानी होती है। तो इस पॉइंट पर अगर मैं पढ़ूं कि इस पॉइंट पर एक्स कितना है तो मुझे पता है ठीक है ये एक्स है, ये डायमीटर लिखा हुआ, डायमीटर लिखा है ना मैंने उस पॉइंट का, तो इस पॉइंट पर डायमीटर कितना है 20 ये लिखा हुआ, तो एक्स सी पॉइंट पर मेरा एक्स है 20 और सी पॉइंट पर जेड कितना है। अब ये थोड़ी सी टेक्निक है इसको देखने की कि ये यहां तक बी तक तो 10 है लेकिन अब आगे कितना है कहीं भी नहीं लिखा हुआ। हाँ ये रेडियस जहां लगा हुआ है उसके ऊपर लिखा हुआ है R5, R5 से मुराद है ये 5 का रेडियस है, तो ये 5 देखें जब डायमीटर की बात करें ये डायमीटर है, ये कोई भी सर्कल है इसमें मैं यहां से यहां तक भी इसको रेडियस कह सकता हूं, यहां से यहां तक भी रेडियस कह सकता हूं, ठीक है। तो जो रेडियस है आपका वही तो ऊपर की तरफ मूवमेंट हो रही है ना, ठीक है, ये यू है या यहां से यहां तक है, एक कर्व तो यूं ही लगी है ना, सिर्फ एक क्वार्टर एक चौथाई हिस्सा लगा हुआ है एक सर्कल, ठीक है। तो वो क्या है कि जो रेडियस है आपका उस कर्व का वो रेडियस ही सिर्फ जो है वो ऐड हो जाएगा आपके जेड के डिस्टेंस के अंदर के लंबाई जो है वो कितनी मूव हो रही है, बी से सी की तरफ 5 की ही लंबाई मजीद मूव हो रही है, तो क्या हो जाएगा -15। इसके बाद बात करते हैं पॉइंट डी की, पॉइंट सी से पॉइंट डी की तरफ एक्स में कोई मूवमेंट नहीं है तो एक्स बिल्कुल सेम रहेगा। और अच्छा पॉइंट डी की तरफ जाने से पहले ही बल्कि मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर देता हूँ, पहले मैं सोचा था कि आपको एंड पर ये बात बताऊँ, लेकिन जब भी हमने बी टू सी मूव किया और रेडियस आया तो हमने क्या करना है, यहाँ जहाँ हमने सी पॉइंट लिखा है यहाँ पर हमने साथ में इसके रेडियस भी लिखना है R5, ठीक है।
ठीक है, आपने जहाँ जिस पॉइंट में आपने रेडियस मूव करके आप जिस पॉइंट पर पहुंचे हैं, आप गोलाई में मूव करके जहाँ पहुंचे हैं, उसके साथ आपने उस मूवमेंट के लिए, उस सर्कल के लिए आपने आर भी लिखना है, उसका के कितना रेडियस रेडियस में मूव किया, कितना मूव किया, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट सी टू डी जो था, ये एक्स ये 20 है और जेड जो है वो जी मूव किया है, तो वो पहले पॉइंट से लेकर और जो है डी पॉइंट तक भी एज इट इज दिया हुआ, मुझे पता है कि ठीक है जी माइनस 25 है, तो ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट में जब हम बात करते हैं डी टू ई, तो अब ये फिर रेडियस में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर ई पॉइंट पर मेरे पास एक्स कितना है, ये है 30, तो मैं 30 लिख दूंगा यहाँ, और जेड मेरे पास कितना है, अब जेड मजीद वही 25 में जो है आर 5 ऐड कर देंगे, तो 25 में जब ऐड होगा तो 30, तो यहाँ पर हम माइनस वाली साइड पर है, तो ये माइनस 30। अब पॉइंट F की तरफ जाना है आपने, तो वही स्ट्रेट मूवमेंट, तो उसके लिए X में कोई मूवमेंट भी नहीं है, देखें आप X बिल्कुल एज इट इज रहेगा, और Z के लिए आप यूज करेंगे माइनस 40, ठीक है। और फिर अभी दोबारा देखें, मैं इसी वजह से जो है इस चीज़ को स्किप करता हूँ और बाद में आपको दोबारा ये चीज़ याद करवा रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसको साथ साथ लिखते जाना है कि ये जहाँ जिस स्टेप में रेडियस मूव होता है, हमारे पास यहाँ पर रेडियस मूव होता है पॉइंट के लिए, तो आपने यहाँ पर उसका साथ में रेडियस भी लिखना है, और ये इन सेमी कॉलम्स को आपने लगाना नहीं भूलना, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है, ये आदत डेवलप करना आप लोगों के लिए, अभी से ही आदत डेवलप होगी तो आप सेमी कॉलम्स लगाएंगे, और सेमी कॉलम्स जो है ये असल में एक किस्म की एंड ऑफ ब्लॉक का काम करती हैं, कि एक मैसेज आपने टाइप किया, एक लाइन आपने टाइप की, एक कमांड आपने टाइप की प्रोग्राम में, और आपने एंटर प्रेस कर दी, ठीक है। तो जब तक वो एंटर प्रेस नहीं होगा, वो कमांड नहीं चलेगी, नहीं वो रन करेगी, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, इसको भी साथ साथ प्रैक्टिस करें, सेमी कॉलम्स को भी यूज़ करें। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है। इस चीज़ को रिवाइज करें, इसको देखें, इसके हवाले से मैं आप लोगों को इंशाल्लाह जो है असाइनमेंट भी दूंगा, और अगर कोई चीज़ मुश्किल हो तो आप लोग वीडियो के नीचे भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, और उसके अलावा मुझे पर्सनली भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफ़िज़।